बक्सर के कुछ समाज सेवियों ने गरीबों की सेवा की मिसाल कायम की है। प्रशांत कुमार खेमानी और आशी अग्रवाल नाम के समाज सेवियों ने गरीबों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लगभग 100 लोगों को 3 साल से बदस्तूर मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। इन असहाय लोगों को खाना खिलाने का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। अब ठंड की शुरुआत के साथ ही गरीब लोगों के बीच मुफ्त में कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। वहीं मैसर्स झुन्नीलाल खेमानी ने रोटी बैंक के माध्यम से गरीब असहाय और जरूरतमंद लोगों को कंबल दान किया गया है। 3 साल से मिल रही मदद से जरूरतमंद लोगों में खुशी का माहौल है। ज्ञानी मिश्र नाम के बुजुर्ग ने मदद करने वाले समाज सेवियों के परिवार और बच्चों को दिल खोल कर आशीर्वाद दिया है। तो आप जहियाले कोरोना ले पहले ही के हमने का भोजन मिला था, आत्मा संतुष्टि हो गई, कमर ले आत्मा संतुष्टि हो गई, भगवान बढ़ावस, बाल बच्चा के संग देश आगामी है, सबकर बाल बच्चा दान देवे वाला आगामी है रहो, ओकर बाल बच्चा परिवार सुखी रहो, ऐसा ही हमने के होखत चले, ऐसा ही हमने के सेवा होके ओकर बाल बच्चा बढ़ल रहे। करीब सालों भर ही चलेगा? हाँ सालों भर, 3 साल ले, 12 मास चला था। आदमी जब खात हुई है तब का 100 आदमी, 100 आदमी रोज, सही आदमी बबुआ, क्या नाम है? हमारे ज्ञानी मिश्र नाम है, ज्ञानी पंडित महदा घर है। वहीं कंबल और भोजन मिलने पर एक बुजुर्ग ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने दानियों को दिल खोलकर आशीर्वाद भी दिया है। भगवान काम होवे के चाहे एकदम एकदम बढ़िया बसा है, बड़ी बढ़िया काम होता सा है, गरीब के देने से है, बड़ी बढ़िया काम कोई नहीं। हाँ भगवान खूब अन धन भरस, खूब भगवान रुपया भरस साहब, ये आशीर्वाद दे। का नाम पड़ी? हमार नाम पड़ी है साहब नन कुमार पांडे। कहाँ घर? हमार घर बस साहेब बसमनपुर नवन करके लगे बथाना सिकड़ा। हमेशा ट्रेन में देखल जाला तारा के स्टेशन पर? हाँ गड़िए में घूमिला है साहब, गड़िए में इन्हें पटना इन्हें बिहिया, हम ढेर बिहे रहिला बिहिया। वही कंबल पाकर बुजुर्ग उदय नारायण ने ढेर सारा आशीर्वाद दानियों को दिया है। आज कमल तो बढ़िया मिला है, सब दिन से भोजन मिलता है। हाँ। हमको बराबर मिलता है, कंबल मिलता है, आपका विकास हो, हमारा बढ़ती हो, आपका आप तो हमारा आत्मा से आशीर्वाद। लोग जो देते हैं हाँ, माने उनको तो आप लोग का आशीर्वाद मिलता होगा? हाँ मिलता है। कहाँ कहाँ से हैं आप? हम तो जमनिया से हैं। क्या नाम है आपका? उदय नारायण। वही गरीबों की मदद करने वाले चार्टर्ड अकाउंट आशी अग्रवाल ने सभी लोगों से आगे बढ़कर मदद करने की अपील की है। किस तरह करना चाहिए? जी मैं ये सारे युवा पीढ़ी और जितने भी लोग हैं जो अच्छा कमाते हों या नहीं भी, तो अगर आप 10% भी अपने सैलरी का अगर इनको दे सके तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ जाएगा नहीं बट इनको बहुत कुछ मिल जाएगा। थैंक यू। क्या परिचय पर? जी मैं आशी अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वहीं इस मौके पर समाज सेवी प्रशांत कुमार खेमानी ने बताया कि उन्होंने कोरोना के वक्त भी गरीब लोगों की मदद की है। खेमानी ने कहा कि गरीबों की सेवा ही मानव की सेवा होती है। खेमानी ने बताया कि लोगों की सेवा कर उन्हें आनंद और संतोष की प्राप्ति हो रही है। बहुत सालों से हम लोग बांट रहे हैं, आगे भी बढ़ता रहेगा। कोरोना में भी हम लोग बहुत ज्यादा मदद किए हैं, उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटे हैं।
चाहे 19 का 20 का कोरोना हो चाहे 21 का कोरोना हो, हम लोग का सेवा भावना एकदम बराबर सालों भर लगा रहता है। किस तरह का आनंद मिलता है? बहुत संतुष्टि मिलती है। अब इससे बड़ा संतुष्टि क्या मिलेगी? हम लोग क्या संदेश देंगे? एकदम संदेश देंगे कि मैंने हम लोग जितना से ज़्यादा मदद गरीबों का कर सकें उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। गरीबों के मदद में ही माधव सेवा है, उसी में भगवान मिलते हैं। क्या पर्ची आपका? मैं ITC का बक्सर का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, प्रशांत कुमार खेमानी। प्रशांत कुमार खेमानी और आशी अग्रवाल जैसे लोगों की वजह से ही आज भी इंसानियत जिंदा है। पंजाब केसरी TV के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।